السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مؤسس هاثرين أعمال القلوب جو عبادات وكرته والمسك عمل قلب التوكل على الله भी है यानी आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें अल्लाह ताला ही पर आपका भरोसा हो आप अल्लाह के अलावा किसी और पे भरोसा न रखें इसबाब अपनाएं, एहतियात के अकदाम आप लें एहतियात के कदम आप लें भरोसा अल्लाह की जात पर हो, भरोसा अल्लाह पर रखें ये एक दिली इबादत है तोहेद इबादत की एक किस्म है जिसमें अल्लाह ताला अपने साथ किसी बंदे की शराकत को पसंद नहीं करते वाल्ला फ करो इनकुन तुम मुमिन अगर तुम ममिन हो तो सिर्फ एक अल्लाह पे भरोसा रखो सिर्फ एक अल्लाह पे भरोसा रखो वाला तवमून एक और जगह अल्लाह तरमाया कि सिर्फ़ एक अल्लाह पर भरोसा रखो क्योंकि ममिन सिर्फ़ अल्लाह ताली ही पर भरोसा रखते हैं मुसाज्रीन देखिए इंसान को इस दुनिया में मुख्तलि हादसा से दो चार होना पड़ता है मख्तलिफ़ मामला उसकी ज़िंदगी में पेश आते हैं मुख्तलिफ काम वह जिंदगी में करता है शरीयत हमें यह बताती है तालीम देती है कि हम इसबाब को अपनाते हुए अल्लाह पे रखें जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व वह अल्लाह कि अपने ऊंट को मजबूती से बांधे रखो फिर भरोसा अल्लाह की जात पे रखो हाँ बांधना एक सबब है कि जिसके जरिए आप आप अपनी ऊंट की हिफाजत कर सकते हैं अपनी किसी कीमती चीज़ को अपनी तिजोरियों में या किसी महफूज़ जगह पे रख करके आप भरोसा अल्लाह पे करें यह शरीयत हमें तालीम देती है ये शरीयत हमें सिखाती है और मज याद रखें तोल ये एक इबादत है ये सिवाय अल्लाह के किसी और पे नहीं हो सकता और भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे होगा किसी और पे तो भरोसा इंसान को नहीं करना चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ खास है वि फ तो सिर्फ अल्लाह ही पर तुम तवक्कुल करना चाहिए सिर्फ अल्लाह ही पर तुम तवक्कुल करो इनकुन तुम अमिन अगर तुम मोमिन हो तो ईमान की निशानी यह है कि आप सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखेंगे किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे इंसान की जिंदगी में जो मामलात पेश आते हैं वो दो तो किस्म के हैं एक वो मामला जिसमें सिवाय अल्लाह के किसी और को उस पर तसरफ हासिल नहीं है सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं है जो आपको वो अता कर सके या उस शर से आपको बचा सके सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है जैसे मुस्तकबिल में आपके अपने फ्यूचर में आप महफूज रहें आपको कोई तकलीफ ना हो कोई मुसीबत ना आए किसी नुकसान के आप शिकार ना हो ये सिवाय अल्लाह के किसी और के हाथ में नहीं है ये किसी को जिंदगी और मौत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है बीमारी और शफा देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है औलाद अदा करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है तो ऐसे मामलात में बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखे अब इस तवकुल को अगर कोई बंदा अल्लाह से हट करके किसी और के हवाले करे अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला के साथ शिरक है यानी आप किसी वली और पीर पर यह भरोसा रख लें कि कयामत के दिन वो आपको बचा लेगा जहनम से आपकी हिफाजत कर लेगा या किसी वली और पीर पर आप ये भरोसा रखें कि वो आपको औलाद दे देगा या किसी वली और पीर पर भरोसा रखें कि मुश्किलों में वो आपको साथ देगा मुश्किलों में आपकी वो मदद करेगा जबकि चीजें सिवाय अल्लाह की कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है जो इन मामला में आपका साथ दे सके आपकी मदद कर सके तो ऐसे मामलात में आप सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखें यह आपकी तोहद है ये आपका वाजिब है और इसको अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करना अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ आप इसको फेर दें ये अल्लाह के साथ शिरक है ये अल्लाह के साथ शिरक है बल्कि शिरक अकबर है जो आपको इस राम से ख़ारिज कर देगा जैसे बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के मामलों में अल्लाह के अलावा वलियों और मुर्शदों पीरों पर भरोसा कर लेते हैं बुतों पर भरोसा कर लेते हैं और तवक्ल की दूसरी किस्म ऐसे मामलत जिसमें मखलूक भी कोई किसी हद तक आपकी मददगार हो सकती है दूसरे भी आपके मददगार हो सकते हैं जैसे बीमार हो जाएं तो डॉक्टरों के पास चले जाएं, दवाएं इस्तेमाल कर लें ये इसबाब हैं खाने पीने के लिए आप जाएं, मेहनत करें मजदूरी करें तिजारत करें ये इसबाब हैं या इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ़ काम जो आप अंजाम देते हैं ये तमाम के तमाम इसब हैं इसब को अपनाएँ लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखें इसबाब को अपनाएं भरोसा अल्लाह पर रखें यह तो शरीयत मतलूब है क्योंकि देखिए कई मरतबा ऐसे होता है कि इसबाब के अपनाने के बावजूद नतीजे हासिल नहीं होते आग का काम है जलाना लेकिन होता यह है कि बाज़ोकात अल्लाह के हकम से आग जलाने का काम नहीं करती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो का वाक्य आप तमाम को पता होगा कि उसके कौम के लोगों ने उनके कौम के लोगों ने उनको आग में उठा करके डाल दिया अल्लाह ने आप आग को हकम दिया कि या ना बर्दन नर्दन वाल इब्राहिम कि आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामत वाली बन जा सलामती वाली बन जा तो आग ने इब्राहिम सला तो को नहीं झलायाबाब सबब के होने के बावजूद अल्लाह ने सबब को उसके नतीजे से रोक दिया तो इसी तरीके से इसबाब सिर्फ़ इसबाब होते हैं भरोसा अल्लाह की जात पे होना चाहिए आप हज़ार इलाज करवा लें इलाज सिर्फ सबब है भरोसा अल्लाह की जात पर हो और जैसा ये कोरोना का मसला चल रहा है इसब आप हज़ार अपना लें लेकिन भरोसा इसबाब के बजाय आपको अल्लाह की जात पर होना चाहिए आपने पूरे इसबाब अपना लिए आपने हर किस्म के जतन कर लिए हाँ जतन करना चाहिए यह तवक्कुल के मुनाफी नहीं है तवक्कुल के खिलाफ नहीं है लेकिन भरोसा किस पर हो भरोसा सिर्फ अल्लाह पर आपका हो अगर भरोसा उससे हट करके इन इसबाब पर आ जाए तो यह भी एक किस्म का शिरक है शिरक असगर है ये भी एक किस्म का शिरक है बाजू ने इसको शिर असगर में शुमार किया है कि आप इसबाब अपनाते हुए इसबाब पर भरोसा करके बैठ जाए इसबाब हो तो आपके दिल को इतमान हो इसबाब न हो तो आप परेशान हो जाए इसबाब ही पर पूरा आपका तोकुल रहे पूरा आपका एतमाद रहे ऐसा एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए हाँ इसबाब अपनाए जरूर इसबाब को एहतियात को इख्तियार जरूर करे लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर हो क्योंकि जब वो कोई चीज करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता और जब कोई चीज वो रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता तो तुम्हारा सान तवकुल ये अल्लाह की एक इबादत है अल्लाह का एक खासा है अल्लाह के साथ खास है अल्लाह के अलावा किसी और पर तोल नहीं किया जा सकता अल्लाह ही पर तोल किया जाना चाहिए हाँ वो काम जिनमें इसबाब को बंदा इख्तियार करता है तो इसबाब को सिर्फ इसबाब की हद तक रखे भरोसा अल्लाह की जात पर हो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद इबादत में उसकी इबादत के हकूक़ में पक्का रहने और शरीयत के मुताबिक रहने की तौफीक नसी फरमाए और हमें अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे उसी एक अकेले इसी एक अकेले अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला बना करके ज़िंदा रखे और जब मौत दे तो अल्लाह ताला इसी क़वत तवक्कुल पर हमारी मौत नसी फरमाए आमीन व सल्स नबीना महम्मद वाल वसाब याज़मा वसलम आलकम वरम् वर्का